नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट से रिलेटेड। पासपोर्ट वो एक चीज है जो इंडिया के लगभग 4 से 5 करोड़ के हाथों में है, इस वजह से वो लोग विदेश में बैठे हुए हैं। जी हाँ, बाकी तो आम इंसान के पास पासपोर्ट है, चाहे वो विदेश जाए या न जाए। हालांकि पासपोर्ट बनाने का मकसद ये होता है कि कभी ना कभी अगर चांस मिला तो विदेश जाएंगे घूमने के लिए या फिर जॉब से पर्पज से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, इसी से रिलेटेड बात करेंगे। सरकार पासपोर्ट में कुछ चेंज करने जा रही है। जी हाँ, इसमें दो बातें बात करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि ये फैसला अच्छा है या हमारे लिए अच्छा नहीं है। जी हाँ साथियों, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं भविष्य में। डिटेल से बात करेंगे। ईसीएनआर और ईसीआर पासपोर्ट, यानी जिसमें इमिग्रेशन होता है जिसमें इमिग्रेशन नहीं होता है, इसमें किन लोगों को फायदा होगा और क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात तो ये देख लीजिए भाई, इंडिया का जो इमिग्रेशन एक्ट 1983 में एक प्रावधान किया गया है इमिग्रेशन क्लियरेंस का। जी हाँ साथियों, इमिग्रेशन क्लियरेंस का क्या मतलब होता है? इमिग्रेशन का मतलब ये होता है भाई, इमिग्रेशन करवा के आपके पासपोर्ट में इमिग्रेशन होता है, आप वर्क परमिट वीजा में किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक या फिर और भी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, अफगानिस्तान, ब्रुनेई, मलेशिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूए वगैरह, इन कंट्रीज में अगर आप, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज में अगर वर्क परमिट वीजा में जाते हो तो सब कंट्रियों में इसी तरह से जाना होता है। इसमें आपको इमिग्रेशन अगर करवाने की जरूरत पड़ती है, किन को पड़ती है वो इंपॉर्टेंट है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, सीधी सीधी भाषा में बात करें, जो लोग 10वीं पास नहीं है, जिनके पासपोर्ट में 10वीं 10वीं की मार्कशीट नहीं लगी है, यानी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है, उनके पासपोर्ट में इमिग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, हालांकि सरकार ने अभी ये तर्क दिया है कि भाई हम उन लोगों की हेल्प करेंगे, इमिग्रेशन के माध्यम से पासपोर्ट के 2 कलर किए जाएंगे। जी हाँ, यानी ईसीआर जिनके पासपोर्ट में इमिग्रेशन होगा उसका पासपोर्ट हल्का नारंगी रंग का, संतरा जिसको बोल सकते हैं ना, उस तरह का पासपोर्ट बनेगा कलर, ताकि उनको विदेशों में जाएंगे तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जिनके पासपोर्ट में ईसीएनआर यानी इमिग्रेशन चेक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनमें कलर सेम वही रहेगा, नीले कलर का, आपको पता है नीले रंग का नॉर्मल पासपोर्ट रहेगा। जी हाँ साथियों, हालांकि 2007 के बाद में पासपोर्ट, आपको पता है आपका जो भी पासपोर्ट होता है उसके पीछे लिखा हुआ होता है, अगर आप 10वीं पास नहीं है तो ईसीएनआर लिखा आएगा, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हैं तो कुछ भी लिखा नहीं आएगा, वो एकदम नॉर्मल तरीके से होता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं जो उनको खुद को पता नहीं होता कि अपना पासपोर्ट कौन सा है, इतने सारे मैसेज आते हैं, सर मेरा पासपोर्ट कौन सा है चेक कर दीजिए। हालांकि लोग पता लगा लेते हैं, धीरे धीरे पता लग ही जाता है। सरकार ने इससे बचने के लिए बोला है कि भाई हम इसमें सुधार करें। आगे और क्या बदलाव किए जाएंगे वो एक इम्पोर्टेंट है। सरकार की एक नीति है कि आगे आने वाले हम जब पासपोर्ट में ये बदलाव करेंगे तो उसमें मदर फादर अगर पन्ने पे आता है ना, मदर का नाम, फादर का नाम, पत्नी अगर आप शादीशुदा है तो पत्नी का नाम, वो सब कुछ नहीं आएगा। जी हाँ, इसमें बड़ी समस्या क्या है, हालांकि इसमें देखिए जो एक विपक्ष ने एक बात भी उठाई है यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि अगर आप इस तरह से एक पासपोर्ट को 2 रंग में रंग देंगे कि एक नीला है एक नारंगी कलर का है, तो उसमें लोगों के साथ में माइंड एक मेंटेलिटी ऐसी बन जाएगी, उनके साथ भेदभाव किया जाए, अनपढ़ लोगों को आप गलत दिखा रहे हो, जो अच्छे पढ़े लिखे उनका पासपोर्ट आप अलग कर रहे हो, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट वर्करों के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने आ सकता है। सेकंड बात, अगर एड्रेस हटा दिया तो वो उसको आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे काम में नहीं ले जा सकता। जी हाँ, क्योंकि आधार कार्ड को बोलते मान्य नहीं करेंगे, पासपोर्ट के पीछे एड्रेस नहीं आएगा, तो भाई जरूरी है सबके पास वोटर आईडी हो या लाइसेंस हो, कोई जो मुझे नहीं लगता जरूरी हो, लेकिन यहाँ पे ये मुझे नहीं लगता ये अच्छा कदम है। पासपोर्ट के पीछे एड्रेस होना चाहिए, मेरी जहां तक सोच है, और मुझे नहीं लगता कि कलर आप नारंगी कर दोगे तो उनको कोई खास बेनिफिट होगा, क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर पर तो जो अधिकारी होते हैं वो पढ़ लेते हैं ना तुरंत प्रभाव से कि ईसीएनआर है पासपोर्ट, इमिग्रेशन नहीं होगा, ईसीआर है पासपोर्ट, इमिग्रेशन होगा, तो मुझे नहीं लगता कलर दो करने में कोई बेनिफिट है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि क्या सरकार का यह फैसला सही है, कब तक कलर चेंज हो जाएंगे। बस ये जानकारी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।